Hey, Assalamualaikum Guru Gang. Welcome back. This is Guru Wala Girgir Shuru. Hope you guys are having an amazing day, just like the other day. Alhamdulillah, Ramzan बहुत बड़े अच्छे से गुजर रहा है. घर वालों के साथ बैठ रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं और बस ये है कि दुआ और इबादत में दिन लग रहा, इसलिए मेरी कुछ वीडियोस रेगुलरली नहीं आ रहे. बट एक और बात आप लोगों को बता दूंगा, बताने से पहले सबसे पहले आपको करना है सब्सक्राइब करना है. सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक करिए और लाइक का बटन दबाइए. ठीक है, अब आप लोगों को मैं गुड न्यूज़ दे रहा हूँ. ये बड़ी ऑथेंटिक और अभी वायरल हो रही सो न्यूज़ है कि सऊदी अरेबिया में बैंड हटा दिया गया है. बैंड हटा दिया गया है मगर कुछ टाइम तक. 9 बजे से जो 3 बजे तक का बैंड था वो 9 से 5 बजे तक का आप लोगों को रिलीफ मिल गया है कि आप 9 से 5 तक बाहर जा सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं घर के अतराफ. देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरा जिद्दा फिरें या हम कॉर्निश की तरफ जाएं या हम दूसरे से एरियाज में जाएं. ये बैंड इसलिए हटा दिया गया ताकि आप थोड़ा सा रिलीफ होके घर के बाहर निकल के कुछ घर की खरीदारी कर सकें और कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उसके लिए जा सकते हैं. अभी हॉस्पिटल्स, सारे हॉस्पिटल्स के अंदर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आ गया है. जब आप हॉस्पिटल्स को कॉल करेंगे तो वो लोग आपको अपॉइंटमेंट देंगे और SMS आपके मोबाइल पर भेजेंगे, तो वो SMS आप जब पुलिस वाले को बताएंगे तो वो आपको जाने के लिए देगा 5 बजे के बाद भी. मगर 9 से 5 बजे के बीच में आप कुछ भी खरीद सकते हैं विद इन योर एरिया, जहाँ पे आप रहते हैं वही जोन में, आप दूसरे जोन में नहीं जा सकते. तो ये बहुत अच्छी सी बात है. तो ये स्टार्ट हो रहा है आज 3rd रमजान से लेके 13th of May तक. और एक चीज, 6 रमजान से 13 मई तक, मतलब 29th अप्रैल से ट्रेडिंग सेक्टर भी ओपन होगा, जहाँ पे दूसरे भी शॉप्स जो होलसेलर रिटेलर्स हैं वो लोग भी अपने शॉप्स ओपन करेंगे. तो होगा आप लोगों को जो दूसरी ख़रीदारी भी करना है वो भी खरीद सकते हैं आप अपार्ट फ्रॉम ग्रॉसरी. तो वो लोग को 6 रमजान से ओपन करने के लिए कहा गया है और सबकी टाइमिंग है 9 से 5. बट मक्का अल मुकर्रमा इज कम्प्लीटली लॉकडाउन फॉर 24 आवर्स. तो कोई भी ये मत सोचो कि भाई हम मक्का जा सकते हैं. हाँ, हम मिस कर रहे हैं मक्का अल मुकर्रमा को और मदीना शरीफ को, मगर हम बस दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से. घर में बैठ के कुरान पढ़िएगा. दिन में आपके पास इतना टाइम है कि अगर आप दिन में 1 घंटा अगर बड़े डेडिकेटेड होके बैठेंगे तो आप माशाल्लाह से 1 पारा ख़त्म कर सकते हैं. तो इस हिसाब से आप डेली आपके बच्चों के साथ बैठ के वो भी सुनेंगे, आप भी पढ़िए और अपनी इबादत में लगे रहिए. अब हम आपके साथ ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, बस ये खुशखबरी आप लोगों को देना था. और जो परमिट है वो अभी परमिट बहुत स्ट्रांग परमिट है, वो परमिट 24 आवर्स की है. मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मेरे पास जो परमिट है. ठीक है, ये परमिट है जिसके ऊपर पुलिस का स्टैम्प आता. ठीक है, ये स्टैम्प के बगैर अगर आप बगैर पेपर के निकलते हैं तो आपको 10,000 रियाल फाइन है. तो ये मेरे पास परमिट है 24 आवर्स की. ये आपकी कंपनीज देती हैं जो इस जोन में, इस कर्फ्यू में काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है उन लोगों के लिए. सही है ना? तो जिसके पास पेपर नहीं है प्लीज़ अपने एरिया में ही रहिएगा और बी इन टच. लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा. मैं आपको और अपडेट्स देता रहूँगा. टेक केयर. अस्सलाम वालेकुम. खुदा हाफिज़.